हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम लोग वापस से आ चुके हैं माइनक्राफ्ट की दुनिया में। एंड अभी हम लोग सबसे पहले तो जाके सो जाते हैं क्योंकि रात हो रहा है, रात को बहुत खतरा है बाहर। एंड आज का मेरा प्लान है कि हम लोग थोड़ा सा माइनिंग करने जाएंगे बिकॉज बहुत ज्यादा गरीबी छाया हुआ है। कुछ ज्यादा गरीब हूँ मैं गरीब हूँ। तो हम लोग अभी माइनिंग करने जाएंगे, बट उससे पहले मेरे पास है मेंडिंग वगैरह का बुक, अनब्रेकिंग मेंडिंग बहुत सारा है, तो ये सब पहले मैं लगाने वाला हूँ बिकॉज बहुत जरूरत है ये चीज का। मैंने ये वाले लाइब्रेरियन से मेंडिंग जैसे तैसे निकलवा लिया। एंड यहाँ पे हमारा माइटी गायब हो चुका है, सिर्फ वाइटी है बिकॉज माइटी के सामने क्रीपर फट गया था तो माइटी मर गया। एक्चुअली अच्छा है पहले ही मर गया बिकॉज अगर नेम टैग लगा दिया होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता मेरा। माइटी दूसरा ले आएंगे, दूसरा गोरा को पकड़ के उसको वीट वीट खिला के उसका नाम माइटी रख के इमेजिन कर लेंगे वो हमारा माइटी है। लेकिन भाई नेम टैग पता है कितना महंगा मिल रहा है, रुको दिखाता हूँ। ये देख रहे हो 20 एमराल्ड का ये आदमी एक नेम टैग दे रहा है, तो मेरा लिटरली 20 एमराल्ड खत्म हो जाता वो नेम टैग के ऊपर। अच्छा वो पहले ही मर गया, मेरा कम से कम एमराल्ड तो बच गया। ये माइटी का हम लोग नाम रख देते हैं बिकॉज ये बच गया, क्रीपर के हमले से भी बच गया, तो ये मेरा सच्चा घोरा है या घोरी है जो भी है, मतलब ठीक है। चलो अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जाके मेंडिंग को पहले लगा लेते हैं। मेंडिंग अनब्रेकिंग थ्री है क्या, नहीं है, चलो अनब्रेकिंग थ्री लगा देते हैं और मेंडिंग लगा देते हैं। इसके ऊपर हम लोग मेंडिंग लगा देते हैं और इसके ऊपर अनब्रेकिंग। एक सेकंड, मेरे पास 10 XP भी नहीं है। कोई बात नहीं, एक ही और XP चाहिए, हम लोग बाद में ले आएंगे ना, अभी इतना मेहनत करने का मूड नहीं है। ये देख रहे हो मेरे पास इतना सारा शुगर केन पड़ा हुआ है, तो इसका जल्दी से हम लोग पेपर बना लेते हैं। एंड उसके बाद हम लोग बहुत सारे एमराल्ड ला के मेंडिंग का बुक ले लेंगे वो लाइब्रेरियन से। आई थिंक हम लोग के पास इनफ पेपर हो गया बहुत सारे एमराल्ड के लिए। एक्चुअली मुझे मेरे हर एक चीज पे मेंडिंग चाहिए बिकॉज मैं बहुत ज्यादा पंगे लेता हूँ ज़ॉम्बीज से। हेलो सर, सर सर आप यहाँ कैसे आ गए, यहाँ पे कैसे आ गए सर आप? मरना तेरे को डर नहीं लगता? नहीं। ऐसे क्यों? क्योंकि मैं गरीब हूँ। छोड़ दो भाई, इनसे अभी नहीं भेजने का मन है। सर सर आप इतने डिप्रेशन में क्यों रहते हो, हैं? वहाँ पे सब मौज ले रहे हैं, आप यहाँ पे डिप्रेशन में बैठे हुए रहते हो। एक्चुअली सच में ये लाइब्रेरियन पूरा डिप्रेशन में रहता है, मतलब क्यों इतना डिप्रेशन क्यों है, नहीं रहना चाहिए इतना डिप्रेशन में भाई। इतना जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होने का क्या जरूरत था, एक नेम टैग ले ले उसका भी पैसा नहीं है। इतना जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होने कौन बोला, मेरे पास इतना सारा पेपर पड़ा हुआ, आप किस रेट करे इतना पेपर का। एक्चुअली मेरे पास बहुत वीट पड़ा हुआ है तो हम लोग वीट से भी ट्रेडिंग कर लेते हैं। फार्मर भैया आओ, मेरे पास 32 एमराल्ड है जितने में वो एक बुक दे रहा है लाइब्रेरियन। एंड और पड़े हुए ओके 49 हो गया, अभी तो बहुत सारे लेना है। फार्मर जी रुको, तो अभी मेरे पास फिलहाल 65 एमराल्ड है। एंड अभी मैं जा रहा हूँ वो लाइब्रेरियन के पास इतने सारे पेपर बनाने का जरूरत नहीं था। ट्रेडिंग तो मैंने वीट से किया क्योंकि वो आदमी आउट ऑफ स्टॉक हो रखा था। एक्चुअली अभी जाके सो जाते, ये बहुत गलत समय होता है। अच्छा हाँ एक चीज तो दिखाने ही भूल गया, मेरे पास शेडर्स पैक भी है। ओके सो 3, 2, 1, ये देख रहे हो मैं दुनिया पूरा चमक गया शेडर्स से, पूरा एकदम चमकीला लग रहा है पूरा दुनिया। एंड मेरा घर और ज्यादा ही चमक गया, बहुत सही लग रहा है ये शेडर्स पैक। एक्चुअली मैंने ये शेडर्स पैक पहले ही देख रखा था, मतलब एक्साइटमेंट रुक नहीं रहा था यार, मैंने पहले ही देख लिया, इतना सही लग रहा था मेरा वर्ल्ड। एंड देखो सामने का तो अलग ही व्यू है यार, मजा आ जाता है। एंड यस अभी हम लोग पूरा आगे का वीडियो शेडर्स पैक के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं, बट असली माइनक्राफ्ट असली रहेगा। सर सुनो आप जरा हमें, अरे कहाँ भाग रहे हो आप, हमें 2 बुक दे दो। हाँ बहुत अच्छा, सारे एमराल्ड ले लिए, इतने एमराल्ड का क्या करोगे तुम, तुमको मार भी नहीं ना सकते, तुम बहुत मेन आदमी हो। मैंने 2 मेंडिंग की बुक इसलिए ली बिकॉज इसके ऊपर भी हमें मेंडिंग लगाना है। बुक के ऊपर मेंडिंग नहीं लगता है, कोई बात नहीं छोड़ो, इसके ऊपर हमें मेंडिंग और अनब्रेकिंग दोनों ही लगा देते। इतना यार इतना ज्यादा XP क्यों लेना, अब अनब्रेकिंग नहीं लगेगा।
लगाना। ऑफ कोर्स कोई बात नहीं, बाद में लगा लेंगे। अभी हम लोग चलते हैं माइनिंग के लिए, बिकॉज बहुत ज्यादा गरीबी छाया हुआ है। नाउ आई थिंक हम लोग रेडी है माइनिंग के लिए। ऑफ कोर्स मैंने पूरा अपना आर्मर नहीं पहना है, एक्चुअली है ही नहीं ना, गरीबी छाया हुआ है, इसीलिए तो माइनिंग करने जा रहे। यस, मेरा प्लान डायमंड्स तक उतना नीचे जाने का है नहीं, बस हम लोग आयरन भी मिल जाए तो काफी है। हम लोग फिर कभी जाएंगे डायमंड ढूंढने, बिकॉज उसमें बहुत मेहनत लगता है, इतना मेहनत नहीं मन है करने का। एक दिन मैं बस ऐसे ही घूम रहा था एंड सडनली मुझे ये केव दिखा, ये केव जो कि पता नहीं क्यों अचानक से इतना भयंकर डरावना क्यों दिखने लगा। आई थिंक सो कि हम लोग शेडर्स पैक ऑफ करके माइनिंग करते हैं, बिकॉज बहुत डरावना लग रहा है। तो अभी कहा मैं बस ऐसे ही घूम रहा था अपने वर्ल्ड में एंड अचानक से मुझे ये वाला केव दिखा, तो आई वॉज लाइक कि ये छोटा सा केव होगा। एंड देन सडनली जब मैं नीचे गया तो इतना बड़ा केव था, और ये केव शेडर्स पैक के पहले नहीं था, तो आई थिंक शेडर्स ही पैक के कारण कुछ हुआ है, और अगर नहीं तभी अच्छा है ना, कम से कम अपॉर्चुनिटी तो मिल गया कि डायमंड मिल सकता है यहाँ पे, लेकिन हम लोग आज डायमंड नहीं खोजेंगे। एंड मैंने आके यहाँ पे टॉर्चेस लगा दिए थे नीचे साइड में, यहाँ पे एक्चुअली मैं आया नहीं हूँ एंड यहाँ से कुछ लिया नहीं है मैंने, मैंने सोचा कि वीडियो बनाते वक्त ही लेंगे। यहाँ पे तो स्लाइम भी स्पॉन होते हैं, ये बेस्ट एरिया, यहाँ पे स्लाइम भी स्पॉन होते हैं। ये केव कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है क्या? बस डर इसी बात का है कि मैं भुला ना जाऊं, बिकॉज मेरा आदत है भुलाने वाला। आज पूरा अमीर बन के निकलना है ये केव से। अरे यार भूल गया, आयरन इतना सारा गोल्ड जो मिला वो फॉर्च्यून 3 से तोड़ लेते ना, इतना मस्त पिकैक्स लायक। यार कोई बात नहीं, अभी से तोड़ना स्टार्ट कर देते, उसमें क्या है। एंड ये जो ऑब्सीडियन वगैरह दिख रहा है, ऑफ कोर्स मैंने ही बनाया है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा लावा था तो उसे हटाने के लिए ऑब्सीडियन बना दिया। एक सेकेंड, अभी तक लावा का आवाज आ रहा है। यहाँ पे इतना भयंकर लूट था। मैं एक्चुअली सच बताऊं तो मैं भूल चुका हूँ कि ये केव में क्या क्या था। एक काम करते हैं, सबसे बेस्ट आइडिया, यहाँ से हम लोग स्ट्रिप माइनिंग स्टार्ट करते हैं। डायमंड अगर मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो हम लोग वापस ही चले जाएंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा लूट हम लोग के पास ऑलरेडी आ चुका है, हम लोग बहुत अमीर ऑलरेडी है। एक काम करते हैं, हम लोग इस साइड से माइनिंग करते हैं, बिकॉज आगे कुछ ज्यादा ही मतलब हद से ज्यादा खतरा है। एक सेकेंड, यहाँ पे शायद हम आ चुके हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑब्सीडियन बना हुआ है। वाओ वाओ, वापस यहीं आ गए हम लोग स्ट्रिप माइनिंग करते करते। कोई बात नहीं, हम लोग वापस से करेंगे स्ट्रिप माइनिंग, यही तो बात है जो मैं कॉबल स्टोन के पिकैक्स से करता हूँ माइनिंग, और कोई बात नहीं है। इस साइड से हम लोग स्ट्रिप माइनिंग करते हैं, वापस यही आ गए। क्या हो रहा है मेरे साथ? एक काम करते हैं, इसके आगे चलते हैं और वहां से हम लोग स्ट्रिप माइनिंग करते हैं। ये क्यों बन गया ऐसे? हम लोग यहाँ से स्ट्रिप माइनिंग करना स्टार्ट करते हैं। ओह डायमंड्स, कहाँ थे तुम इतने दिनों से, तुम इतने दिनों से कहाँ थे, तुम्हें ढूंढते ढूंढते हम थक गए थे। एक काम करते, इसको रिपेयर कर लेते, डायमंड्स मिल रहा है तो रिपेयर भी तो होते जाना चाहिए। हो गया रिपेयर, 7 डायमंड्स, और 2 डायमंड्स, और 2, और 2, ओह कितने सारे डायमंड्स है। हम लोग कुछ ज्यादा ही अमीरों के जाने वाले ये केव से। वैसे डायमंड खोदने आया नहीं था, लेकिन देखो हो जाता है, हम भी इंसान ही है, लालच मेरे अंदर आ जाता है कभी कभी। कोई बात नहीं, हम लोग और आगे जाएंगे। डायमंड्स 29 डायमंड्स, लाइक सीरियसली आज तक जिंदगी में इतना डायमंड्स नहीं देखे थे। फॉर्च्यून 3, यार मजा आ गया, अच्छा हुआ फॉर्च्यून 3 लेके आए थे। और आसपास में कुछ, सर लावा का आवाज आ रहा है, प्लीज लावा आसपास में मत गिर जाना, बेटर ऑप्शन है कि हम लोग इसको ढक देते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से भी स्ट्रिप माइनिंग स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे हम लोग को डायमंड्स मिला है तो और डायमंड्स इधर ही से मिलने का उम्मीद है। थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए, बहुत ज्यादा लावा है यहाँ पे।
सर मैं आ रहा हूँ आप ही के पास, मतलब इग्नोर थोड़ी किया था, बोला था ना आएंगे। कोई बात नहीं ना, इतना तो चलता है। ओ गोल्ड, ये वाला जगह सच बता रहा हूँ बहुत सही चूज किया माइनिंग करने के लिए। ओ लावा, एक्चुअली ये दूसरा केव आ गए हम लोग अब। वाह नाइस, हम लोग अब दूसरा केव ही पहुंच गए। हम लोग यहाँ से अपना स्ट्रिप माइनिंग करना स्टार्ट करते हैं। ओ ओ हेलो हेलो सर, हेलो हेलो सर, इतना सारा डायमंड लेके तो आप थोड़ा तमीज में रहिए, कोई जरूरत नहीं है मेरे आसपास मंडराने का। फाइनली वापस से हम लोग को डायमंड मिल चुका है। पहले हम लोग आयरन ले लेते हैं, उसके बाद चैन से डायमंड लेंगे। डायमंड्स आज सच बता रहा हूँ कुछ ज्यादा अमीर होके जाने वाला हूँ मैं यहाँ से। एक्चुअली मैं सोचा 50 डायमंड करी के हम लोग जाएंगे। देखो लालच पूरी बला है लेकिन कभी कभी चलता है, मतलब ठीक है। एक्चुअली देखा जाए तो मेरे पास 50 डायमंड ऑलरेडी हो चुके, बिकॉज ये 40 और मेरे घर पे ऑलरेडी 10 पराई हुआ है, तो 50 तो हो ही गए। ओ ये कहाँ आ गए हम लोग। ओके सो आई थिंक कि अब हम लोग को वापस घर लौट जाना चाहिए, बिकॉज मैं कुछ ज्यादा दूर आ चुका हूँ माइनिंग करते करते। अभी घर ही जाने में बहुत टाइम लगने वाला है। ओके सो फाइनली जैसे तैसे करके हम लोग बाहर निकलने का रास्ता पे आ गए हैं, बस संभल के निकल जाए। सो फाइनली हम लोग निकल चुके एंड वाह रात हो रहा है। अच्छा वो हम लोग पहले ही निकल गए। एंड मैं शेडर्स ऑन कर लेता हूँ। रात का सीन ना, ये शेडर्स में माइनक्राफ्ट का अलग ही लगता है, कोई डिज्नी मूवी में आ चुके। बहुत अच्छा फीलिंग आता है ये सब देख के। माइनक्राफ्ट माइनक्राफ्ट लगता ही नहीं है, अलग डिज्नी मूवी लगता है। एंड यस मैं डिज्नी और ये कार्टून मूवी सब का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मुझे ये सब बहुत सही लगता है। एंड अभी हम लोग अपने घर के छत पे चलते हैं और वहां से सीन देखते हैं। ओ जितने बार भी देख लूं ना ये सब कम ही लगता है, बहुत सही लग रहा है ये सब सीन। ओ अच्छा मेरे पास 40 डायमंड से पहले रख दो। 50 डायमंड, मजाक नहीं होता है 50 डायमंड, बहुत मेहनत लग गया। ओके इस पे अनब्रेकिंग 3 और मेंडिंग लग गया है, एंड आई डोंट थिंक इस पे और कुछ लगाना चाहिए। एंड बस अब ये स्वॉर्ड पे हमको अनब्रेकिंग 3 लगाना है, जिसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपी चाहिए। सो हम लोग फिर कभी लगा लेंगे आराम से। तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मेरा प्लान वैसे था नहीं वो डायमंड्स वगैरह ढूंढने का, वो तो रास्ते में मिल गया तो ले लिया। एंड मैं सच्ची बता रहा हूँ कुछ ज्यादा ही अमीरों के घर आया हूँ। तो चलो यार मिलता हूँ हम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।